हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, अरोमा ऑफ गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत वेलकम है। आज जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेरी ग्रेप वाइन पे लगे हुए ग्रेप्स हैं और आज का मेरा वीडियो भी इसी से रिलेटेड है। फ्रेंड्स, इस ग्रेप वाइन को मैंने कंटेनर में ग्रो किया हुआ है। ये 20 लीटर का कंटेनर है जिसमें मैंने इसको ग्रो किया था और ये इसको 3 साल हो गए हैं। 3 साल इसमें, लास्ट ईयर सेकेंड जब इसका दूसरा साल था तब भी इसमें फ्रूटिंग हुई थी, पर एक ही बंच इसमें आया था और इस बार इसमें काफ़ी सारे बंच आए हुए हैं ग्रेप्स के। एक बंच ये भी है और एक ये छोटा सा है, इसमें ज़्यादा जो ग्रेप्स हैं वो डेवलप नहीं हो पाए हैं। और ये मेरी यहाँ पे भी एक लगा हुआ है और ये भी है। ये मेरी जो पूरी की पूरी ग्रेप वाइन है फ्रेंड्स, ये लगभग 10 फीट की हो चुकी है अब और मैंने इसको कंटेनर में ग्रो किया हुआ है। तो आज हम जानेंगे कि कंटेनर में इसको कैसे ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जब आप इसको लेकर के आए अपनी ग्रेप वाइन को, आप इसको इस तरीके से आगे बढ़ाइएगा, इस तरीके से सपोर्ट दीजिएगा इसको कि दो ब्रांच ही इसमें मेनली डेवलप करें, बाकी के सारे जैसे ये जो ब्रांच अलग से साइड से निकल रही हैं आप इनको काट दीजिएगा। ये मैंने इसमें से लास्ट ईयर भी ये जब ग्रो हुई थी तो मैंने इनको काट दिया था और इसमें फिर से, क्योंकि गर्मियों के टाइम में इसका जो है ग्रोथिंग पीरियड होता है, तो ये फिर से ग्रो हो गई। फ्रेंड्स, अगर आप इसे कंटेनर में ग्रो कर रहे हैं तो कम से कम 18 से 24 इंच तक का पॉट आप लीजिएगा और इसको जो सॉइल मीडिया है वो स्लाइटली, अगर आपका लूमी सॉइल है तो वो इसको ज़्यादा पसंद आती है और सॉइल का जो पीएच वैल्यू है वो 5.5 से 7 तक रहे तो बहुत अच्छा रहता है इसके ग्रोथ के लिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये जो ग्रेप वाइन है ये गर्मियों के मौसम में फ्रूटिंग करती है और इसकी जो ग्रोथ है वो गर्मियों के मौसम में बहुत अच्छी रहती है। ठंडियों के टाइम में ये अपने डोरमेंसी पीरियड में चला जाता है तो बिल्कुल ही आप इस पर कोई लीव्स वगैरह कुछ नहीं रहती हैं। अब आप देखेंगे कि गर्मियों के टाइम में ये देखिए छोटे छोटे जगहों पे से भी, ब्रांचों पे से भी इसकी ग्रोथ नहीं हो रही है। फ्रेंड्स, ग्रेप वाइन को आप कटिंग के थ्रू या फिर सीड से आप इसकी वाइन को ग्रो कर सकते हैं या फिर सबसे अच्छा ऑप्शन ये रहता है कि आप नर्सरी से इस प्लांट को परचेज़ करके ले आइएगा। इसके जो ये जो छोटे छोटे से फ्रूट्स हैं, मैं इनको हटा देता हूँ। और ग्रेप वाइन जो है फ्रेंड्स, ये लगभग तीसरे साल में से फ्रूटिंग करना शुरू कर देती है। फ्रेंड्स, नर्सरी से लेकर के आएँ तो आप, ये मेरा जो प्लांट है ये विथ सीड है, आप जब नर्सरी से परचेज़ करें तो उनसे पता कर लीजिएगा कि ये सीडलेस लें आप तो ज़्यादा अच्छा है। मुझे उस टाइम पे इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं थी, ये मुझे 30 रुपीज़ का मिला था तो ये अभी जब इसमें फ्रूट्स आए हैं तो इसमें सीड्स भी हैं, तो आप सीडलेस वाला लें तो ज़्यादा अच्छा है। कॉस्ट वेरी कर सकती है जगह के हिसाब से, वैरायटी के हिसाब से। फ्रेंड्स, ग्रेप वाइन की बेटर ग्रोथ के लिए, अच्छे फ्रूटिंग के लिए इसको कम से कम 6 आवर्स की जो फुल सनलाइट है उसकी ज़रूरत होती है। तो आप इसको ऐसी जगह प्लांट करिएगा, ऐसी जगह प्लेस करिएगा अगर कंटेनर में कर रहे हैं आप, जिससे कि इसकी जो इसको फुल सनलाइट मिलती रहे, मिनिमम 6 आवर्स की तो सनलाइट मिले ही मिले। फ्रेंड्स, ग्रेप वाइन जो है वो सेल्फ पॉलिनेटेड ही होती है मोस्टली, जो इसकी वैरायटी हैं उनमें। और ये मेरा एक ये भी बंच है, और ये जो मेरे ग्रेप लगे हुए हैं फ्रेंड्स, ये नॉर्मली जो ग्रेप हैं वाइन की जो वैरायटी है उसमें, जो कि इंडिया में मिलती है, वो अगस्त से अक्टूबर के बीच में रेडी हो जाएंगे ये मेरे हार्वेस्ट करने के लिए। अभी 2-3 महीने हैं तब तक। फ्रेंड्स, ग्रेप वाइन में जब आप फर्टिलाइज़र का यूज़ करें तो लो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स का आप यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, जिससे कि इसकी ग्रोथ
बहुत ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि कंटेनर में अगर आप ग्रो कर रहे हैं तो। और फ्रूटिंग और फ्लावरिंग इस पे बहुत अच्छी रहे, इसके लिए आप हाई फास्फोरस और पोटेशियम जो रिच जो फर्टिलाइज़र हैं उनका यूज़ करिएगा। मैं बेसिकली इसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, बोन मील, सी वीड एक्सट्रैक्ट वगैरह यूज़ करता हूँ, कुछ एंजाइम्स वगैरह भी डालता रहता हूँ टाइम टाइम पे। हर 15 डेज़ के बाद मैं इसमें कुछ ना कुछ फर्टिलाइज़र ऐड करता रहता हूँ। और ये भी बहुत 10 फीट के अलॉन्ग हुई है, कंटेनर में है और आप देख सकते हो कि इसमें ये 4-5 गुच्छे यहाँ पे लगे हुए हैं और यहाँ पे भी ये छोटे छोटे ऐसे लगे हुए हैं गुच्छे। फ्रेंड्स ठंडियों के टाइम में ये अपने डोरमेंसी पीरियड में चली जाती है तो लीव्स वगैरह सारे इसके गिर जाते हैं और आपको ऐसा लगेगा कि शायद ये डेड हो गया है, पर ये डेड नहीं होता है। इसको आप वैसे ही जिस पॉट में आपने इसको लगा के रखा है उसमें लगे रहने दीजिएगा। जब आप इसको ग्रो कर रहे हैं तो स्टार्टिंग आप छोटे पॉट से करिएगा, फिर 2 साल बाद या 3 साल बाद आप इसको बड़े कंटेनर में शिफ्ट कर दीजिएगा। इसकी ग्रोथ यहाँ से चल रही है। अब इस वाली ब्रांच पे मेरे फ्रूटिंग नहीं हुई है तो मैं इस वाली ब्रांच को कट कर दूंगा और इसको टी शेप दे दूंगा। अब ये ले एक ब्रांच मेरी ये हो जाएगी क्योंकि इस पे फ्रूटिंग हुई है, और एक ब्रांच मेरी ये हो जाएगी। मोस्टली टी शेप में अगर आप इसको डेवलप करते हैं तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट करके बताइएगा।